Activated. A Freedom of Information Act request forced the CIA to finally acknowledge that Area 51 is real. क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? क्या दूसरी दुनिया के लोग होते हैं? ये जो खबरें, न्यूज़ रिपोर्ट और जो हम सुनते हुए आए हैं, क्या ये सच है? अगर ये सच है तो क्यों हम अभी तक एलियंस को ढूंढ नहीं पाए हैं? एलियंस सिविलाइजेशंस हमें क्यों नहीं कॉन्टैक्ट कर पाई? आइए जानते हैं इस राज के बारे में इस वीडियो में। ब्रह्मांड अनंत है। इस ब्रह्मांड में इतने तारे हैं, इतने प्लैनेट्स हैं कि उसकी कोई गिनती की ही नहीं जा सकती। और यहीं पर इंसानी बुद्धि या हमारी साइंस या सारी मैथ रखी ही रखी रह जाती है। हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, 100 बिलियन से लेकर 3 ट्रिलियन तक हो सकते हैं या इससे भी ज्यादा। इसकी कोई सीमा नहीं है कि उसके आगे भी क्या है। ब्रह्मांड अनंत है। हमारी गैलेक्सी जिसमें बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स स्टार्स हो सकते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड के सामने शायद समुद्र में एक बूंद के बराबर भी नहीं है। हमारी मैथ्स, हमारी टेक्नोलॉजी अभी इस काबिल ही नहीं है कि इस दुनिया में कितने ब्रह्मांड हैं, कितनी गैलेक्सीज, कितने प्लैनेट्स और कितने तारे हैं, उन्हें हम काउंट भी कर पाएं। उन हर एक पर जाकर जीवन खोजना तो बहुत दूर की बात है। इसका मतलब है हम में इतनी क्षमता ही नहीं है। अगर इतनी क्षमता इंसान को मिलती तो वो अपने आप को भगवान ही मानने लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखकर भी इंसान पता नहीं लगा सकता कितने प्लैनेट हैं, क्योंकि हमारे देखने की जो क्षमता है वो हम लाइट ईयर्स में देख सकते हैं। तो 15 बिलियन लाइट ईयर्स तक हम स्पेस में देख सकते हैं। 1 बिलियन लाइट ईयर्स में लगभग 95 खरब किलोमीटर होते हैं। तो 95 खरब × 15 बिलियन, इतनी दूर तक हम देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक हम जीवन किसी दूसरे प्लैनेट पर खोज नहीं पाए हैं। ऐसा नहीं है कि इस पूरी पृथ्वी पर हम ही ऐसे जीव हैं जो दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा कोई भी जीव नहीं कर सकता। ये भी सच नहीं है कि इस पृथ्वी पर आने वाले पहले जीव हम हैं। हमसे भी पहले बहुत सारे जीव आ गए थे। उनका दिमाग हमसे ज़्यादा विकसित है, ज़्यादा बड़ा है साइज में, लेकिन जिस हिसाब से हम सोच सकते हैं वो नहीं सोच सकते। जिस तरह से हम चीज़ें इमेजिन करके उसे रियलिटी में बदल सकते हैं, वो नहीं बदल सकते। शायद यही वजह है कि आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं कि क्या एलियन एग्जिस्ट करते हैं। आपके दिमाग में ये सवाल आया कि क्या एलियंस होते हैं? इस दुनिया में मगरमच्छ, बंदर, इन्होंने कभी नहीं सोचा कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास इमेजिनेशन की एक बहुत बड़ी पावर है, और शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सही ही कहा था, नॉलेज से ज़्यादा पावरफुल इमेजिनेशन होती है। इमेजिनेशन आपको आगे ले जाती है और जो मुमकिन नहीं है उसे मुमकिन करने में भी मदद करती है। हम ये जानते हैं कि एलियंस ने हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की। क्या हमने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है? 1974 में एरेसिबो मैसेज ब्रॉडकास्ट किया गया था। ये रेडियो सिग्नल्स थे जो स्पेस में M13 क्लस्टर, स्टार क्लस्टर पे ट्रांसमिट किए गए थे, यानी कि बहुत सारे तारों का समूह। अब आप बोलेंगे तारों के समूह में क्यों? दरअसल जो प्लैनेट होते हैं उन पे जो जीवन है, इसकी संभावनाएं तब ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब उनके आसपास कोई स्टार हो। जैसे पृथ्वी के पास सूरज है, उसकी एनर्जी से वो चलता है, वहीं से जीवन उत्पन्न हुआ, और सूरज की रोशनी अगर नहीं होगी तो जीवन ही नहीं होगा। ऐसे ही M13 स्टार क्लस्टर पर एरेसिबो मैसेज नाम का एक संदेश, एक ब्रॉडकास्ट 1974 में पुर्तो रिको से ब्रॉडकास्ट किया गया था। इसमें इंसानी शरीर का एक डायग्राम, DNA स्ट्रक्चर और बहुत सारी पृथ्वी की जानकारियां अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग रेडियो फ्रिक्वेंसीज पर अलग अलग तरीके से ट्रांसमिट की गई थी, ये सोचकर कि शायद इनमें से कुछ कोई एलियंस समझ जाएं और वो हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में जान पाएं।
ये जो सिलसिला है 1974 से शुरू हुआ और ये अब तक चल रहा है। बहुत सारी जगहों पर अभी भी बहुत सारे मैसेज रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये एक खतरे को दावत देना है। क्या हो अगर एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं? क्या हो कि वो एलियंस एक्चुअली हंटर्स हों और पृथ्वी जैसे ग्रह को ढूंढ रहे हों कि उसे वो ख़त्म कर सकें, उस पर राज कर सकें? तो ये बहुत खतरे वाली बात भी हो सकती है कि जिन लोगों को शायद हम न्योता दे रहे हैं वो हमें ख़त्म कर दें। दोस्तों, एलियंस के एग्जिस्टेंस के ऊपर दो थ्योरीज सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। पहली फर्मी पैराडॉक्स और दूसरी ड्रेक्स इक्वेशन। फर्मी पैराडॉक्स एनरिको फर्मी द्वारा एक थ्योरी है। एक फिजिसिस्ट था जो अपने फेलो फिजिसिस्ट के साथ बैठा था और अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि एलियंस अगर हैं तो कहाँ हैं, अगर हैं तो कहाँ हैं, और हैं तो हमारे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि हम ये प्रूव कर सके कि एलियंस किस फॉर्म में हैं, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कौन है, क्यों नहीं आए अभी तक। ड्रेक्स इक्वेशन ये कहती है कि कुछ वेरिएबल्स इनपुट देकर आप ये पता लगा सकते हो कि इस पूरे ब्रह्मांड में कितनी सिविलाइजेशंस हैं हमारी जैसी। कोई कहता है 12,500 कुछ सिविलाइजेशंस हैं, कोई और नंबर देता है। लेकिन दोस्तों, ये पूरी जो ड्रेक्स इक्वेशन है ये कंप्लीट है ही नहीं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो पता हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं जिनका पता ही नहीं है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल्स की आपको वैल्यू नहीं पता है तो आप एग्जैक्ट आउटपुट नहीं निकाल सकते, सटीक तौर से नहीं कह सकते कि कितनी है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इंसान की कोई भी मैथ अभी इस काबिल ही नहीं है कि एलियंस के एग्जिस्टेंस को पता लगा पाए। क्या ऐसे बड़े एविडेंसेस हैं? ऐसी क्या चीज है जो लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि एलियंस होते हैं? मैं आपको कुछ एविडेंसेस देता हूं। मैं आपको लेकर चलता हूं अब नयागढ़ ओडिशा में। जी नहीं, भारत से कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको। आजादी से 2 महीने पहले 1947 31 मई को नयागढ़ उड़ीसा में एक स्पेसक्राफ्ट लैंड हुआ था जिसको कुछ नौजवानों ने देखा था। उन्होंने देखा कि एक अजीब सा दिखने वाला एक पूरा यान उतरा और उसके अंदर से लोहे के बने हुए या कुछ अजीब तरह के ह्यूमनॉइड जो आधे रोबोट आधे इंसान थे या इस दुनिया के नहीं लग रहे थे। उनकी हाइट लगभग 5 फुट थी और वो उतर कर घूम रहे थे। उन्होंने वो देखा और वो वहां से भाग गए। बाद में उन्होंने लोकल आर्टिस्ट को हायर किया और उसको सारा डिस्क्रिप्शन बताया कि वो कैसे दिखते थे। उस आर्टिस्ट ने उसकी कुछ ड्राइंग्स बनाई जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दिखने में किसी भी अब तक इंसान नहीं लग रहे हैं और अगर आप इन्हें बोलते हैं कि ये रोबोट है तो दोस्तों 1947 में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी कि हम इस तरह की कोई चीज़ बना सकें जो खुद कोई स्पेस क्राफ्ट उड़ा सके। तो सीधे तौर से अगर ये जो नौजवान लोग हैं ये सही बोल रहे थे तो कोई ऐसा सुपीरियर बीइंग है जो मशीनों और इंसान के तालमेल से चलते हैं, जो आधे मशीन है और आधे इंसान है, या तो वो कोई अलग बीइंग्स हैं, एक अलग डायमेंशन में रहते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं। इस चीज़ की बहुत न्यूज़ फैली थी लेकिन उस समय पर हमारा जो न्यूज़ मीडिया इस तरह से सुचारू रूप से काम नहीं करता था, न्यूज़पेपर्स वगैरह छपते थे तो ये खबर आई थी लेकिन ज़्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सच में 1947 31 मई को एलियन स्पेसक्राफ्ट ओडिशा में लैंड हुआ था। दोस्तों, अब मैं आपको वक्त में थोड़ा सा और आगे लेकर जाता हूँ। ये बात है ब्राज़ील की एंटोनियो विलास बोआस। ये एक फार्मर था जो रात को अपने खेतों में खेती कर रहा था ब्राज़ील में 1957 में। उस समय पर ब्राज़ील में रात को खेती लोग इसलिए किया करते थे कि दिन में बहुत गर्मी हुआ करती थी। रात में खेती करते वक्त अपने ट्रैक्टर को चलाते वक्त उसने देखा कि एक रेड कलर का स्टार अचानक से बहुत तेज चमकने लगा। पहले तो उसको लगा कि ये कोई तारा है लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो कोई स्पेसक्राफ्ट उसकी ओर आ रहा था, जैसे कोई यान आ रहा है। ये चीज़ देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और वो वहाँ देखता रहा। देखते ही देखते दोस्तों वो लाल कलर का तारा बहुत पास आ गया और एक स्पेसक्राफ्ट में बदल गया। वो पृथ्वी पर लैंड हुआ और उसमें से एक 5 फुट का ह्यूमनॉइड क्रिएचर निकला जो बोलता तो कुछ नहीं था लेकिन कुछ मुंह से अजीब आवाजें निकालता था। वो कुछ दिखने में बहुत ही अजीब था, इंसान तो वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये सुनकर।
उसके साथ दो और क्रिएचर उस स्पेसक्राफ्ट में से निकले और एंटोनियो को ले गए अंदर, खींच के ले गए वो। एंटोनियो बहुत डर गया, उसको अंदर ले के गए और उसके शरीर से सारे कपड़े हटा दिए गए। उसके शरीर पे कोई एक ऐसा अजीब जेल लगाया गया जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि वो क्या था। उसकी स्मेल भी बहुत अजीब थी एंटोनियो के हिसाब से। उसको एक बेड पर लिटाया गया और उसके चारों तरफ दीवारों पर अलग अलग यूनिक सिंबल्स थे जिसे एंटोनियो ने याद कर लिया था बाद में बताने के लिए। वो लाल कलर के सिंबल्स चारों तरफ थे और बीच में एंटोनियो को लिटाया हुआ था एक स्पेसक्राफ्ट के अंदर। इसे ये लगता है कि वो स्पेसक्राफ्ट काफ़ी बड़ा रहा होगा क्योंकि उसमें एक कमरा है। तो एंटोनियो लेटा रहा वहाँ पर, उसने ज़्यादा रेजिस्ट नहीं किया। बाद में एंटोनियो की चिन से ब्लड सैंपल लिया गया और उसके कपड़े उसको वापस दे दिए गए। अब उसको स्पेसक्राफ्ट में घुमाया गया। आपको ये बात सुनकर बड़ा अजीब लगेगा बट ये कुछ ऐसी स्टोरीज में से हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग सच मानते हैं। उसको स्पेसक्राफ्ट में घुमाया गया। एंटोनियो ने वहाँ एक घड़ी जैसा यंत्र चुराने की भी कोशिश की थी ताकि वो ये एविडेंस दे सके कि हाँ मैं ऐसे स्पेसक्राफ्ट में गया था। बाद में उसको एक ऐसे कमरे में रखा गया जहाँ पर एक लड़की आई। जी हाँ, ये लड़की नॉर्मल लड़की नहीं थी, उन्हीं क्रिएचर का एक फीमेल वर्जन लग रही थी। उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने थे और एंटोनियो के हिसाब से वो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव थी। एंटोनियो ने यह भी कहा कि उनका और उनका संबंध बना और उस एलियन लड़की ने कुछ इशारा किया अपने बेली की तरफ और स्पेस की तरफ। दोस्तों मैं यहाँ पर कोई भी बात बना के नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद जाके विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं। मानो वो लड़की इशारा कर रही थी कि मैं इस बेबी को स्पेस में पालूंगी। बाद में एंटोनियो को वहाँ से छोड़ दिया गया और वो स्टार वापस कहीं ब्रह्मांड में खो गया, वो स्पेसक्राफ्ट जैसे कहीं खो गया। बाद में एंटोनियो की बात पर लोगों ने मजाक उड़ाया लेकिन ये माना जाता है कि एंटोनियो पढ़ा लिखा तो नहीं था उस वक्त पे, तो उसको ये सारी बातें उसने मनगढ़ंत अगर बनाई भी तो कैसे बनाई। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान था जो बात दूसरी जगह न्यूज सुन के इंसिडेंट सुन के उनको बना देता तो समझ भी आता था, लेकिन एंटोनियो ज़्यादा एक्सपोज नहीं था मीडिया में। हाँ, बाद में एंटोनियो ने लॉयर की पढ़ाई पढ़ी और वो लॉयर वगैरह बना, वो अलग चीज़ है, लेकिन उस वक्त पे जब वो जवान था, बहुत छोटा था, जब उसको ये चीज़ दिखी, कोई मींस नहीं था कि वो ऐसी चीज़ें बना सके, तो इसको ज़्यादातर लोग सच मानते हैं। मेडिकल एग्जामिन किया गया एंटोनियो का और ये पता चला कि वो किसी रेडियो एक्टिव रेडिएशन से ग्रसित है, कोई रेडिएशन लग गई है उसके शरीर पे, ऐसी रेडिएशन जो पृथ्वी पे पाई ही नहीं जाती। धीरे धीरे उसके शरीर पे लाल लाल नोड्यूल्स निकलने लगे और वो एक अलग तरीके की बीमारी उसको हो गई। बाद में वो बीमारी कैसे ठीक हुई इसकी कोई जानकारी नहीं है और 56 की एज में 1991 में एंटोनियो विलासबोआस की मृत्यु हो गई। इस कहानी को ज़्यादातर लोग सच ही मानते हैं। अब ये सारी चीज़ें जब हुई तो उसके एक महीने बाद जस्ट मेक्सिको में भी एक UFO क्रैश की रिपोर्टिंग हुई थी कि वहां पर कोई UFO या स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ है जिसको US एयर फोर्स ने क्लेम किया था कि देखा है, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। अब आप सोचेंगे कोई चीज अगर कोई फोर्स देखती है उसे पुष्टि करती है और बाद में मना क्यों कर देती है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका और इसराइल बहुत सालों से जानते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए एरिया 51 जो एक सीक्रेट बेस है अमेरिका में नेवाडा में, वहां पर कुछ साइंटिस्ट निकल कर आए जिन्होंने ये कहा है कि उन्होंने स्पेसक्राफ्ट के ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग की है। He says he was hired to work at an area called S4, which is a few miles south of Groom Lake. At S4, he says, are flying saucers, antimatter reactors, and other working examples of technology that is seemingly beyond human capabilities. Right, this came from somewhere else. I mean, as bizarre as that is to believe, but I mean, it's there, I saw it. I know what the current state of the art is and in physics, and it can't be done. As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Alien technology का access America के पास आज से नहीं, कई सालों से है और वो उस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो इसका इशारा सिर्फ एक ही ओर जाता है कि aliens exist करते हैं। द ग्रेट फिल्टर मॉडल, ये थ्योरी ये कहती है, ये मॉडल ये कहता है कि जब तक हम इस काबिल बनेंगे
कि एलियन से कॉन्टैक्ट कर पाएं, तब तक हमारी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, किसी भी सिविलाइजेशन का, किसी भी प्लैनेट का अगर वहाँ जीवन है, तो एक थ्योरी है ये कहती है कि जिस तरह से हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं वो हमारे फ्यूचर को बताती है हम किस तरफ है। दोस्तों हम उस मॉडल पर हैं जब हम बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से हम पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पृथ्वी को, एक दिन ऐसा आएगा कि जीवन खत्म हो जाएगा। जिन रिसोर्सेज को हम कंज्यूम करते हैं वो पृथ्वी पर बचेंगे ही नहीं। ये पूरा प्लैनेट, इस पे जो पूरे जीवन है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा, और वो भी इंसानों की वजह से, जिस तरह के से हम जीवन जीते हैं। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि आज से 20 साल पहले जैसे धूप निकला करती थी, जैसे मौसम हुआ करता था, जैसे ये पूरी दुनिया हुआ करती थी, अब वैसी नहीं है। नहीं, मैं टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट या एडवांसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। नोटिस करना आपने भी नोटिस किया होगा, कोविड से पहले की ज़िंदगी और कोविड के बाद की ज़िंदगी, इसमें बहुत फ़र्क है, और इसमें बहुत तर्क भी बताए जा सकते हैं, वो मैं एंड में बात करूँगा। लेकिन हमारा जीवन, हमारी दुनिया बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, हमारा इन्वायरमेंट और क्लाइमेट बहुत जल्दी बदल रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो ये द फिल्टर मॉडल यही कहता है कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन जो अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेगी, एक वक्त पर खत्म हो जाएगी। तो इस हिसाब से जब तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड होगी कि हम एलियंस को ढूंढ पाए, हम उससे पहले ही खत्म हो जाएंगे, हमारा प्लैनेट खत्म हो जाएगा, ये एक सिर्फ गोला बनकर रह जाएगा, और इसके ऊपर जीवन होगा ही नहीं। जब जीवन होगा ही नहीं तो रिसर्च करने वाले लोग भी नहीं होंगे, जब खाना ही नहीं होगा तो साइंटिस्ट रिसर्च किस चीज की करेंगे। अगली चीज है निक बोस्ट्रॉम की सिम्युलेशन थ्योरी, जो ये कहती है कि दोस्तों हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो असली होकर भी असली नहीं है। जरा सोचिए, इंसान को पृथ्वी पर आए हुए कितने साल हुए हैं? अगर इस पूरी ब्रह्मांड की उम्र और पृथ्वी की उम्र के हिसाब से कंपेयर करें तो ये एक फ्रैक्शन से भी बहुत कम है। सोचिए, जब इंसान पृथ्वी पर आए थे उससे पहले से कितने वक्त से पृथ्वी एग्जिस्ट करती है? बहुत साल, अरबों खरबों साल, या शायद उसको भी अगर अनगिनत टाइम्स इंटू कर दो आप, तब से। क्या हो अगर हमसे भी पहले कोई लोग आए थे? क्या हो कि उन्हीं लोगों द्वारा हम बनाए गए हैं? ये थ्योरी, ये सिम्युलेशन थ्योरी ये कहती है कि हमसे भी पहले बहुत एडवांस्ड बीइंग्स आए थे जिन्होंने हमें बनाया है, क्योंकि हम तो अब कुछ सालों में, अगर आप पूरे ब्रह्मांड की उम्र से इंसानों को कंपेयर करो तो हम कहीं स्टैंड नहीं करते। हम एक वक्त में आए, एक कण है जो खत्म हो जाएगा। ये ब्रह्मांड अनंत है, किसी अनंत चीज में आप कुछ सौ साल, कुछ हजार साल को अगर कंपेयर करें तो कहीं भी स्टैंड नहीं करता। तो ये थ्योरी ये कहती है कि हम एक प्रोग्राम में जी रहे हैं, मैं, आप, ये पूरी दुनिया, पृथ्वी, ये सब एक सिम्युलेशन है, एक तरह का वीडियो गेम या सॉफ्टवेयर है जिसे कोई बहुत सुपीरियर बीइंग बना रहा है। जरा सोचिए, पिछले 100 सालों में हमने टेक्नोलॉजी में क्या बना लिया, देख सकते हैं आप। 100 सालों में हमने मोबाइल फोन बना दिया, इंटरनेट बना दिया, इंसानों जैसे रोबोट्स बना दिए, और हमने क्या क्या कर दिया सिर्फ 100 सालों में। अगर कोई ऐसा बीइंग हो जो हमसे अरबों खरबों साल पहले आ गया हो, इमेजिन कीजिए वो सिविलाइजेशन क्या क्या बना सकती है। कहीं वो इतनी एडवांस तो नहीं कि उन्होंने ही इंसानों को बनाया है, कहीं हम उनकी कठपुतली तो नहीं। बहुत सारे रिलीजन में, या सारे ही रिलीजन में, ये माना जाता है कि हमें ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कौन है, जरा सोचिए। अब क्योंकि इंसानों के पास इमेजिनेशन है, इंसानों के पास साइंस है, सीमित ही सही, तो अलग अलग इंसानों के अलग अलग मत हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि पॉसिबली क्या रीजंस हो सकते हैं, अगर एलियन एग्जिस्ट भी करते हैं उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट क्यों नहीं किया। पहली वजह, सवाल भी है ये, क्या हो अगर एलियंस इतने दम हो कि वो हमसे कॉन्टैक्ट करना जानते ही ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि एलियंस हो और उन्हें हमसे कॉन्टैक्ट करने में कोई इंटरेस्ट ही ना हो, या हमारी तरह वो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही ना कर पाते हों। ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस एक अलग फॉर्म में हो, एलियंस को हम इंसानों जैसा ही क्यों सोचते हैं,
एलियंस मतलब हम यही तो देख रहे हैं ना कि जीवन है या नहीं। जीवन तो बहुत फॉर्म में हो सकता है। क्या एक कीड़ा जो होता है क्या वो जीवित नहीं है? क्या जो पेड़ होता है वो जीवित नहीं है? होते हैं, लेकिन वो हमारी तरह तो नहीं दिखते, लेकिन कहने के लिए तो वो जीवन है। अगर वही किसी दूसरे प्लैनेट पर रहते तो हम उन्हें एलियंस कह सकते थे। ऐसा हो सकता है कि एलियंस ऐसे फॉर्म में हो कि वो कॉन्टैक्ट कर ही ना पा रहे हों, वो करना ही ना चाहते हों। ये भी एक पहली थ्योरी हो सकती है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि एलियंस इतने स्मार्ट हैं कि वो ऑलरेडी हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं और वो हमें क्लोजली वॉच कर रहे हैं। उन्हें सब पता है क्या हो रहा है, लेकिन एक वजह है कि वो हमें कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। शायद उनको ये लगता है कि हम इतने डम हैं कि हम अगर उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये भी वजह हो सकती है। वजह ये भी हो सकती है कि एलियंस खत्म हो चुके हैं और हम इस पूरी ब्रह्मांड में आखिरी सिविलाइजेशन बचे हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हम ही एलियन हैं। जी हाँ, आप पृथ्वी की उम्र और मंगल ग्रह की उम्र अगर देखें तो पृथ्वी से अगर ओवरऑल कंपेयर करें तो थोड़ा ही बड़ा है उम्र में मंगल ग्रह। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि मंगल ग्रह पर पहले जीवन था। मंगल ग्रह सबसे सूटेबल प्लैनेट माना जाता है, हालांकि अभी वहां पर जीवन नहीं है, लेकिन सबसे सूटेबल प्लैनेट माना जाता है, जो कि अर्थ का जुड़वा भाई भी कहा जाता है। तो ये मानते हैं लोग कि पहले मार्स पे ही जीवन था और उस सिविलाइजेशन ने इतने खराब तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया कि वो खत्म हो गई। वहां से कुछ लोग स्पेस ट्रैवल करके पृथ्वी पर आ गए और वही पृथ्वी के पहले इंसान थे। आप सारे रिलीजियस टेक्स्ट में देख लो, बहुत सारों में पहले एक इंसान और एक औरत ही आए थे। क्या हो वो इंसान और औरत एक्चुअली मार्स से आए थे? ये भी तो हो सकता है कि पृथ्वी पर हम ही एलियन हैं। जिन एलियंस को हम ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं, हम ही हैं। इसकी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अगली थ्योरी ये कहती है कि एलियंस हमारे साथ ही रहते हैं लेकिन अलग डायमेंशन में रहते हैं। आपको थ्री डायमेंशंस के बारे में पता होगा, लेंथ, हाइट, ब्रेथ। थ्री डायमेंशन से किसी भी चीज़ को हम देख सकते हैं। फोर्थ डायमेंशन का भी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और स्पेस टाइम, टाइम स्पेस का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। उनको ये लगता था कि थ्री डायमेंशन के अलावा भी और डायमेंशन होती हैं। कोई चीज़ थ्री डायमेंशन में है, फोर्थ डायमेंशन टाइम हो सकता है, यानी कि वो चीज वहां पर कब होगी। ऐसा भी हो सकता है कि इस दुनिया में जो हम रह रहे हैं वो फोर्थ डायमेंशन की एक लोकेशन पर रह रहे हैं। मैं 2024 में यहां हूं, ये भी एक डायमेंशन हो सकती है। मेरी मृत्यु के बाद मैं कहां होऊंगा, तो वो एक अलग डायमेंशन हो सकती है, एक डायमेंशन की एक अलग लोकेशन हो सकती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि मरने के बाद लोग फोर्थ डायमेंशन में चले जाते हैं, किसी ऐसी जगह चले जाते हैं, किसी ऐसे डायमेंशन में चले जाते हैं जो वक्त के परे है, जो इंसान नहीं देख सकते। और शायद हो सकता है कि ये जो एलियंस हैं वो एक्चुअली फोर्थ डायमेंशन में रहते हो, जिन्हें हम देख नहीं सकते। ऐसा भी हो सकता है जिन्हें भूत प्रेत आत्माएं आप बोलते हैं वो फोर्थ डायमेंशन की कोई ग्लिच हो, जिससे फोर्थ डायमेंशन के बीइंग हमें नजर आ जाते हो। कोई ऐसी चीज भी तो हो सकती है ना। तो ये सारी थ्योरी सिर्फ थ्योरीज ही हैं दोस्तों। ये कब सॉल्व हो जाए और कब असलियत में बदल जाए कोई नहीं जानता, फ्यूचर कोई नहीं जानता। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो मैं लेकर आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।